हेलो स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा। जब भी कोई स्टेनोग्राफी स्टूडेंट डिक्टेशन ले और स्पेशली जब वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए डिक्टेशन ले, तो उसको बहुत ध्यान से एक एक वर्ड को सुनना है और इमिडिएटली उसको कैच करके उसको लिखना है, और लिखते समय नेचुरली उसको अंडरस्टैंड भी करना है कि मैं इसको कहाँ प्लेस करूँ ताकि मैं इसको ट्रांसक्राइब प्रॉपरली कर सकूँ। जो भी हमने सीखना हो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम उसको समझें और उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करें। अगर हम नहीं समझेंगे वो एक नुकसान होगा, और अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उससे ज़्यादा नुकसान होगा। आपने सुना है एक वर्ड होता है प्रोसीड, जिसके स्पेलिंग होते हैं PROCEED। दूसरा होता है प्रीसीड, जिसके स्पेलिंग होते हैं PRECEDE। अब हम इसको अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे और उसका मतलब नहीं समझेंगे और हम उसको कैसे प्लेस करना है वो नहीं देखेंगे, तो हमें डेफिनेटली इसमें मिस्टेक होगी। प्रोसीड सिंपल वर्ड है, हम जानते हैं। प्रोसीड का मतलब होता है किसी भी काम को करना, प्रोसीड करना, उसमें आगे बढ़ना उसमें। और जो प्रीसीड होता है उसका मतलब होता है पहले वाला, क्योंकि इसमें पहले प्री लगा है। प्री का हमेशा मतलब होता है पहले, और उसका उल्टा होता है पोस्ट। तो प्रीसीड जब हम कहते हैं इसका मतलब पहले। अगर हम बोलते हैं कि प्रीसीडिंग पहरा, तो इसका मतलब पहले वाला पहरा। अगर हम बोलते हैं सक्सीडिंग पहरा, तो इसका मतलब बाद में आने वाला पहरा। तो प्रोसीड और प्रीसीड में डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको ट्रांसक्राइब ठीक कर पाएंगे। और मैंने इसकी आउटलाइन भी दी है आपको, वो भी आप समझ लीजिए ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रोसीड जब आए तो हमें प्रेफरेबली ओ का वोवल लगाना चाहिए, और ई का लगाना चाहे तो आपकी मर्जी है, नहीं तो उसके बिना भी आप प्रोसीड पढ़ पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है प्रीसीड। जब प्रीसीड आएगा तो हमें उससे थ्रू द लाइन लिखना है और ई लगाना है तो आपकी मर्जी। और अगर आप प्रॉपर प्लेस करेंगे तो प्रोसीड और प्रीसीड में डिफरेंस आपको दिखाई देगा। उसके बाद एक वर्ड आ जाता है जो हालांकि इससे मिलता नहीं है कोई साउंड में, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है नीचे प्रीसाइड। प्रीसाइड भी आ जाता है, जैसे किसी मीटिंग को प्रीसाइड करना, चेयर करना या कन्वीन करना, कंडक्ट करना। तो प्रीसाइड में भी अगर आप कहें तो उसमें भी, क्योंकि साउंड के हिसाब से प्रीसाइड बोला जा रहा है, तो उसको भी आप थ्रू द लाइन लिख के उसके बाद आई लगाना इसमें ज़रूरी है, ताकि हम इन तीनों में डिफरेंशिएट कर सकें। और मीनिंग भी अगर हमें पता होगा और हमें आउटलाइन भी पता होगी, तो ट्रांसक्रिप्शन में मिस्टेक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपने नोट करना है। ऐसे वर्ड्स जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, उनकी हमें अगर आउटलाइन पता होगी, उनके हमें मीनिंग पता होंगे, तो डेफिनेटली हमें क्लैरिटी आएगी और हम आगे से मिस्टेक्स को कम कर पाएंगे।